आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या आपका थ्योरी ऑफ कॉस्ट। आपने सबसे पहले पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन किस में रिलेशनशिप बनाता है? इनपुट टू आउटपुट, कि कैसे अपने इनपुट लगाए उससे आपका कितना आउटपुट आया। अब जो ये कॉस्ट फंक्शन है आपका, डिमांड फंक्शन क्या बताता था? डिमांड फंक्शन आपका बताता प्राइस एंड डिमांड में रिलेशनशिप, ठीक है ना, कि भाई प्राइस का इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड पर कैसा पड़ेगा। ओके, अब फिर आपने पढ़ा इनपुट टू आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये आया आपका कौन सा बना आपका आउटपुट टू कॉस्ट। आउटपुट और कॉस्ट में आपका रिलेशनशिप बनाता है, कहाँ लिख रखा है ये रहा। प्रोडक्शन तो बनाता है इनपुट और आउटपुट में, और कॉस्ट फंक्शन बनाता है आपका आउटपुट एंड कॉस्ट में, कि जो आपका प्रोडक्शन किया है उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है, कितनी उसकी एवरेज कॉस्ट आ रही है, ये सारी चीज़। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करने वाला हूँ वो ये है, प्रोडक्शन का वो आपने ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे ना, याद करो प्रोडक्शन का वो बने थे आपके इस तरीके से। ये आपका मार्जिनल है तो ऐसे आया था, याद करो, और एवरेज है तो ऐसे, ये बढ़ रहा है फिर ऐसे कम हो गया, ऐसे ही था ना। अब जो कॉस्ट का वो है वो आपके इस तरीके से बनेंगे। कॉस्ट का वो कैसे यू शेप्ड के बनते हैं, तो मान लो ये मार्जिनल कॉस्ट है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट ऐसी आई मान लो, और ऐसे चलेगी, और ये एवरेज कॉस्ट है, मतलब अच्छा क्या था कि जो आपका कॉस्ट कर्व है ना वो आपके, देखो जो आपके प्रोडक्शन कर्व थे वो इस तरीके से चल रहे थे, और ये कॉस्ट कर्व चलेगी उसके इनवर्स, ये यू शेप है वो इनवर्स यू शेप है। अब देखो उसमें क्या है, कॉस्ट एवरेज कॉस्ट अभी भी कम हो रही है ना, और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ मिनिमम पर पहुँच के और यहाँ वापस बढ़ने शुरू हो गई है। कॉस्ट गिरती भी तेज, मार्जिनल कॉस्ट गिरेगी भी तेजी से, बढ़ेगी भी तेजी से, ये दिख रहा जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट था बढ़ेगा भी तेजी से गिरेगा भी तेजी से, तो रिलेशनशिप तो उसी तरीके की है। वो आपके इनवर्स यू शेप के थे, ये आपके क्या है यू शेप के, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास कुछ जो कॉस्ट है वो कौन कौन सी है, सबसे पहले आपके है मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो पैसे में आपके पास बाहर जा रही है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कोई चीज़ आपने परचेज की, रॉ मटेरियल लेके आए, बाहर पैसा दिया, क्या हुआ आपकी मनी कॉस्ट हो गई आपके पास, ठीक है, क्या बनी आपकी मनी कॉस्ट बन गई। एक आपकी रियल कॉस्ट, एक तो रियल कॉस्ट क्या होती है, जो आपके फिजिकल एफर्ट्स हैं, मेंटल एफर्ट्स हैं, उसको क्या बोलते हैं आप रियल कॉस्ट। मनी कॉस्ट जो पैसे के रूप में लगेगी, और रियल कॉस्ट जो आपके फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आया आपके पास अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो एक्चुअलिटी में आपके पास पे हो रहा है आपके पास। और एक मेरे को एक बात बताइए, जो आपका जो ये है अकाउंटिंग कॉस्ट, ये कैसे मनी कॉस्ट से अलग है? मनी कॉस्ट से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें वो कॉस्ट भी आएगी जो आपकी मनी के रूप में भी नहीं हो रही हो। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका आउटफ्लो नहीं करता मनी का, लेकिन एक आपका अकाउंटिंग कॉस्ट है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है डेप्रिसिएशन को, ठीक है। बैड डेट्स हो गया, वो इस तरीके की कॉस्ट आपकी, मतलब ऐसी कॉस्ट जो मनी कॉस्ट के अलावा ऐसी कॉस्ट है जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, वो आपकी सब किस में आएंगी अकाउंटिंग कॉस्ट में। तो एरिया किसका वाइड हुआ, अकाउंटिंग कॉस्ट का, ठीक है। उसके बाद आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा सेकंड बेस्ट अल्टरनेट की होती है, सेकंड की, थर्ड की नहीं होगी ना, दोनों की होगी, सिर्फ किसकी होगी, सेकंड बेस्ट अल्टरनेट की। फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप एमकॉम करें या आप एमए इकोनॉमिक्स करें। अगर आपने एमकॉम किया है तो आपने सेक्रीफाइस कर दिया एमए इकोनॉमिक्स, तो जो एमए इकोनॉमिक्स को छोड़ना है वो सेक्रीफाइस किया किसके लिए, एमकॉम के लिए। तो एमकॉम क्या हुआ आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, और सेकंड प्रायोरिटी क्या हुई एमए इकोनॉमिक्स, तो आपने सेकंड को छोड़ा है। अब ये तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। मान लो आपके पास तीसरा और ऑप्शन था एमबीए का, और जिसको आप एमए इकोनॉमिक्स के बाद आप उसको प्रेफर करते थे, जैसे पहले पर आपने रखा था क्या एमकॉम, दूसरे पर रखा आपने एमए इकोनॉमिक्स, और तीसरे पर रख दिया एमबीए। तो एमकॉम के लिए एमए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, और एमए के लिए एमबीए इकोनॉमिक्स कॉस्ट हो गई, ऑलवेज सेकंड बेस्ट अल्टरनेट हो गई। और आपके पास ना सिर्फ एक एमकॉम का ही कोर्स था जिसमें आप एडमिशन ले सकते थे, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जीरो। ऐसा कोई भी काम या कोई भी
डिसीजन जिसका कोई अल्टरनेट ना हो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, ऑलवेज जीरो। या ऐसे ऐसे डिसीजंस जिसकी स्पेशल यूज हो उसका भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जीरो। कौन कौन सी कॉस्ट पढ़ी आपने? मनी कॉस्ट बाहर जा रही है, रियल कॉस्ट फिजिकल और मेंटल एफर्ट, तीसरी आपने पढ़ी अकाउंटिंग कॉस्ट जिसको आप रिकॉर्ड कर दो, फोर्थ कॉस्ट पढ़ी आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकंड बेस्ट अल्टरनेट की जो कॉस्ट होती है वो आपकी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों ही हो सकती है, इम्प्लिसिट भी और एक्सप्लिसिट भी। इम्प्लिसिट कैसे और एक्सप्लिसिट कैसे? ये बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी खुद की होती, मतलब ये बिल्डिंग मान लो मेरी है, और अगर मैं इसको किराए पर देता, एक ये ऑप्शन था, और एक मैं खुद यूज करूं। अगर मैं खुद यूज करूं तो मेरे पास जो पैसा आता वो अब नहीं आ रहा, तो ये इसकी क्या हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन सी? इम्प्लिसिट कॉस्ट, कि वो मुझे मेरी इनकम मैंने सेक्रीफाइस कर दी, तो इम्प्लिसिट हो गई, ठीक है। दूसरी चीज देखो, मैंने कहा ये बिल्डिंग मेरी है, ये मेरी बिल्डिंग है, और मैंने क्या किया, इसको खुद के लिए यूज कर लिया, खुद के बिजनेस के लिए यूज कर लिया। और दूसरा ऑप्शन था, एक तो ऑप्शन था खुद के बिजनेस के लिए यूज करना, दूसरा ऑप्शन क्या था, रेंट पर देना। मैंने अब रेंट पे नहीं दी ना, खुद पे यूज कर, खुद के लिए यूज कर ली ना, तो रेंट पर जो मैंने नहीं दी वो रेंट मैंने सेक्रीफाइस कर दिया खुद के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट इसके लिए, क्योंकि ये डिसीजन लेने की वजह से। एक आया एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो एक्चुअल में जो बाहर पे कर रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो ऑप्शन थे आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की एक सप्लायर है, सप्लायर एक मेरे को सेम क्वांटिटी आपको 10,000 रुपये की दे रहा है, दूसरा मेरे को दे रहा है 8,000 रुपये की, आप लगाए तो आपको किससे लोगे आप? एक ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, आप 8 वालों से लोगे, सेक्रीफाइस क्या कर दिया 10,000 का, एक तो ये चीज़। या फिर और एक और चीज़ देखिए, ये तो उस तरीके की कॉस्ट में मैंने बता दिया, एक आपका ही आया, आपके पास दो जॉब एक साथ आई। दो जॉब कौन सी आई? एक तो भाई आप मान लो प्रोफेसर लग सकते हो, एक आप अकाउंटेंट लग सकते हो। अब जॉब आपने प्रोफेसर वाली कर ली, अब जैसे ही आपने प्रोफेसर वाली की, आपने किसको सैक्रिफाइस कर दिया, अब उसको मतलब अकाउंटेंट वाली जॉब की, तो वो भी एक आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। लेकिन ये इम्प्लिसिट हुई या एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुई? इम्प्लिसिट कॉस्ट हुई, बाहर कुछ नहीं गया, क्या हुआ आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि अर्निंग आनी थी आई नहीं, अर्निंग आपके पास आनी थी और ये आपके पास आई नहीं, तो ये क्या होगी आपकी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का अगर आप एग्जांपल देखें तो आपका इस तरीके से बनेगा कि फॉर एग्जांपल आप जैसे आप अपने पास ये बिल्डिंग वाला ये एग्जांपल लेते हैं, हाँ बिल्कुल बनेगी, उस प्रोजेक्ट के लिए इम्प्लिसिट होगी। अब देखो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं आया, मैंने ये बिल्डिंग ना खुद की बिल्डिंग थी किराए पर दे दी, खुद की बिल्डिंग थी किराए पर दे दी और मैंने खुद भी किराए पर ले ली। अब मेरे पास इसकी वजह से जो इनकम आई है इसकी वजह से मैंने बाहर पे करना पड़ रहा है, इस बिल्डिंग को किराए पर देने की वजह से मुझे बाहर पे करना पड़ रहा है वो, क्योंकि इससे मुझे देखो मुझे ये बिल्डिंग मुझे 10,000 रुपये दे रही है और वो बिल्डिंग मुझे 5,000 में मिल गई, तो मैंने हमें पता है कि सेकेंड बेस्ट अल्टरनेट, सेकेंड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, हमने क्या किया वो 5,000 रुपये जो पे कर रहे हैं वो 10,000 की इनकम के लिए कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगी आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पहला केस देखिए, मैंने इसी बिल्डिंग पे आ जाइए, और इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसे हुई, मैंने बिल्डिंग खुद के लिए यूज कर ली, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, मुझे रेंट नहीं मिलेगा। दूसरा मुझे ये बिल्डिंग मैंने रेंट पे दे दी 10,000 रुपये मिल गए, और मैंने दूसरी बिल्डिंग ले ली 5,000 रुपये, अब इसकी वजह से मैंने 5,000 पे करने पड़ गए, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई, ठीक है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए सेकेंड को आपको दे रहे हो, दोनों समझ में आए आपको? तो ये आपका इम्प्लिसिट भी हो सकता है और आपका एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, ये जीरो वाली बात मैंने बता दी। इकोनॉमिक कॉस्ट याद रहे, इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट तो क्या होती है, जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो वही आएगी, इसके अलावा ऐसी कॉस्ट जो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल अभी आपने सेक्रीफाइस किया था किराया, वो रिकॉर्ड नहीं किया ना, इकोनॉमिक कॉस्ट उसको लेके चलेगा, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या करेगा उसको आपका ऐड करके चलता है, मेरी बात समझ में आई आपको, इकोनॉमिक कॉस्ट उसके एडिशन के साथ चलता है, ये क्या होती है आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट में आप क्या निकालते हो, सिर्फ और सिर्फ जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उसको आप लेके चलते हो, जो आप रिकॉर्ड कर सकते हो उसको लेके चलते हो। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट के अलावा आप क्या लेते हो,
इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आप लेके चलते हो, ये होती है आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट। यानी एरिया किसका अवॉइड हुआ? इकोनॉमी का। इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट, इसमें लिखोगे एक्सप्लिसिट भी और आपकी इम्प्लिसिट भी। और आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालनी है तो इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ, प्योर प्रॉफिट भी बोल देते हैं, इकोनॉमिक या प्योर प्रॉफिट। एक आपका आया अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है वो निकलेगा कैसे? टोटल रिवेन्यू माइनस में अकाउंटिंग कॉस्ट, या इसको एक्सप्लिसिट ले लो अगर आपके पास रिकॉर्डिंग में है, आपके पास मतलब प्रोविजंस नहीं है तो ठीक है। उसके बाद आया आपके पास, ये बता दिया मैंने कैसे कैसे निकलता है, एक्सप्लिसिट आया इस तरीके से। एक आया संक कॉस्ट। देखो संक कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो आपकी दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने एक घर बनाया, लगा दिया पैसा, वापस नहीं बनाओगे, तोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एम कॉम में आपने आपकी फीस आपने जमा कर दी, वो भी वापस नहीं मिलेगी, तो क्या होगी? जैसे आप कोर्स को छोड़ दो, क्या होगी आपके लिए? संक कॉस्ट होगी। आपने एक बाहर मतलब बर्गर खा लिया और उसको पे कर दिया, तो भी क्या होगी वो आपकी? संक कॉस्ट। मतलब ऐसा पैसा, ऐसी कॉस्ट जिसको आप रिकवर ना कर सको, उसको क्या बोलोगे आप? संक कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आई आपके पास, हाँ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ पर नहीं फिर बता देंगे, ठीक है छोड़िए इसको एक बार। कुछ ना और भी कॉस्ट के टाइप है भाई, जैसे आपकी एक होती है अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी होती है? जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको ना स्कूटी की नीड है और अभी क्या कुछ टाइम के लिए, अभी भाई अब नहीं लेना चाहते तो कुछ टाइम के लिए उसको अवॉइड करते, ये क्या हुई? अवॉइडेबल कॉस्ट। एक होती है अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। खाना खाना है, भूख लगी है, खर्च करना पड़ेगा, तो वो क्या होगी? अनअवॉइडेबल कॉस्ट। आई बात समझ में? तो कुछ कॉस्ट के टाइप समझ लो, आगे अपने आप इजी हो जाएगा। पहला आपने पढ़ा सबसे पहले मनी कॉस्ट, मीन्स पैसे के रूप में बाहर गई। दूसरे आपने पढ़ी रियल कॉस्ट, फिजिकल और मेंटल एफर्ट। तीसरी आपने पढ़ी अकाउंटिंग कॉस्ट, जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। फोर्थ आपने पढ़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट, और इसमें आप क्या कहोगे? इम्प्लिसिट भी आएगी और एक्सप्लिसिट भी आएगी। और आपने पढ़ा कि जो ऐसे प्रोडक्ट जिसकी स्पेशल यूज हो तो जीरो होगी, अल्टरनेट नहीं है तो जीरो होगी। उसके बाद आपने पढ़ा संक कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जिसको रिकवर नहीं कर सकते। फिर क्या पढ़ा? इकोनॉमिक कॉस्ट, दोनों का सम होती है, इम्प्लिसिट प्लस में एक्सप्लिसिट, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस में इम्प्लिसिट कॉस्ट। फिर आपने क्या पढ़ा भाई? बस अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, अवॉइड कर सकते अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, ये टाइप ऑफ आपकी कॉस्ट हो गई। अब देखिए आपके पास आया कॉस्ट फंक्शन। अभी हमने बताया कि कॉस्ट और इनपुट में आपका रिलेशनशिप बनाता है,